नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय। आज इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं द ब्रांड न्यू Realme 5i। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है एंड इसका परफॉर्मेंस किस तरह होता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और आप मेरे साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ यानी PR टेक के साथ। तो दोस्तों, ये रहा स्मार्टफोन का बॉक्स। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो बॉक्स के ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है दोस्तों। एंड मिडिल में जो है 5i का लोगो देख सकते हैं, नीचे आपको Realme का ब्रांडिंग देख सकते हैं। साइज में भी Realme का लोगोस एंड ब्रांडिंग देखने को मिलता है दोस्तों। एंड कम्प्लीटली नीचे आपको सारे स्पेसिफिकेशन का स्टिकर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। कम्प्लीटली बैक आएंगे तो आपको मेन फोर की फीचर्स देख सकते हैं। 5000 मैसिव बैटरी कैपेसिटी, स्नैपड्रैगन 665 एंड अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा सेटअप एंड 6.5 इंचेस का मिनी ड्रॉप डिस्प्ले आप देख सकते हैं। नीचे जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं फोन ओपन कर चुका हूं, तो चलिए बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स देख सकते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं दोस्तों अंदर। इसके ऊपर लिखा गया है हे वेलकम टू Realme फैमिली। इसे आप ओपन करेंगे तो आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, बोले तो ये पिन देख सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको जो है पेपर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं, वो पेपर्स देख सकते हैं। एंड डायरेक्टली फोन आपको देखने को मिलता है, तो इसे साइड में रखते हैं। एंड बॉक्स के अंदर जो है और आपको जो है चार्जर एंड केबल देख सकते हैं दोस्तों। और ये मेनली 10 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसका मेनली माइक्रो USB केबल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहे सारे कंटेंट्स बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सरप्राइजिंगली केस नहीं मिलता है दोस्तों Realme 5i के साथ। तो ये रहे सारे बॉक्स के अंदर कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फोन को अनब्रैप करते हैं। मेनली यहाँ पर आपको स्टिकर के ऊपर देख सकते हैं, ये मेनली डेडिकेटेड सिम स्लॉट है दोस्तों। दो सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ वार्निंग इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो चलिए फोन को ओपन करते हैं। मेनली मेरे पास कलर वेरिएंट जो है एक्वा ब्लू कलर का वेरिएंट मेरे पास है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी लुक आपको देखने को मिलता है। टॉल फोन है दोस्तों एंड न्यू सनराइज डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलता है। नीचे जो है आपको Realme का लोगो देख सकते हैं, क्वाड कैम सेटअप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है दोस्तों। काफ़ी थिक है दोस्तों फोन जो है एंड इसका वेट जो है 196 ग्राम्स है दोस्तों, थोड़ा बहुत भारी है दोस्तों। तो चलिए बटन्स एंड पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। साइड में जो है वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं एंड सिम स्लॉट देख सकते हैं। दूसरे साइड में जो है आपको पावर की देखने को मिलता है। कम्प्लीटली ऊपर आपको प्लेन दिया गया है दोस्तों, सारे पोर्ट्स नीचे दिए गए हैं। आपको मेनली 3.5 mm का जैक देख सकते हैं, माइक देखने को मिलता है, चार्जिंग करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट देख सकते हैं एंड स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलता है। ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है दोस्तों। तो चलिए फोन को पावर ऑन करते हैं एंड ये फोन जो है हाथ में आपको कंप्लीट फील आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ये फोन जो है एंड ये दूसरा कलर वेरियंट में भी अवेलेबल है, फॉरेस्ट ग्रीन का दूसरा कलर वेरियंट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, मैं सारे सेटिंग सेट कर चुका हूँ। ये मेनली 6.52 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन रेशियो जो है 89.9 का स्क्रीन रेशियो आपको देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये मेनली 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। एंड स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आप देख सकते हैं। एंड मेनली सिक्योरिटी पैच जो है नवंबर 5 दिया गया है दोस्तों, ये जल्दी अपडेट हो जाएगा। एंड ये मेनली एंड्रॉयड वर्जन 9 पे चलता है दोस्तों 5। तो चलिए एक्टिवेट करते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 5 में वर्क करता है। और अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। ये मेनली 5000 mAh का बैटरी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कमाल का बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। कंप्लीटली चार्ज होने में 2 hours 45 minutes लगेंगे एंड एक दिन इजीली चला सकते हैं। और अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस एंड कैमरा फीचर्स के बारे में। काफ़ी कमाल का फोटोस आप ले सकते हैं दोस्तों। क्वाड कैम सेटअप का आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। 12 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का वाइड एंगल लेंस, 2 MP का माइक्रो लेंस एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ फोटो सैंपल्स में इस कैमरा को यूज करके ले चुका हूँ। एंड वाइड एंगल का डिग्री जो है 190 डिग्रीज के साथ आपको वाइड एंगल पिक्चर्स आप ले सकते हैं। एंड ये रहा अल्ट्रा माइक्रो शॉट, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहे रेयर कैमरा के फीचर्स एंड फोटो सैंपल्स। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। ये मेनली 8 MP का सेल्फी कैमरा है दोस्तों एंड ये रहे उसके सैंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी कमाल का फोटोस ले सकते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। स्नैपड्रैगन 665 के साथ आपको बढ़िया सब गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। पबजी जो है मीडियम सेटिंग्स में आप अच्छी तरह खेल सकते हैं, स्मूथली आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ रेगुलर फोन परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल है दोस्तों। डेली यूसेज में बढ़िया सा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। एंड इस फोन में जो है बढ़िया तरीके से
से फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस लॉक वर्क करता है दोस्तों। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है सुपर फास्टली आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, इस तरह आप टैप करते ही ये अनलॉक होकर दिखाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है, काफ़ी फास्ट है दोस्तों। ये रहा फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड इसी तरह नए नए कंटेंट मेरे चैनल में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो एंड ऑडियो टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा Realme 5i, काफी कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों। 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है एंड मेनली स्नैपड्रैगन 665 के साथ बढ़िया से गेमिंग परफॉर्मेंस एंड फोन परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें मेनली क्वाड कैम सेटअप है दोस्तों, बढ़िया सा फोटोज आप खींच सकते हैं, काफी कमाल का क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसका कैमरा रिव्यू चाहे हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों। इसका बैटरी कैपेसिटी जो है 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ आप बैटरी लाइफ की देखने को मिलता है। एंड ये सारे फीचर्स जो है अंडर 11000 में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा काफी कमाल का प्राइस सेगमेंट फोन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर टेक अपडेट्स के लिए। इसी तरह नए नए गैजेट्स का, नए नए व्हीकल्स का इस चैनल में लाऊंगे दोस्तों वीडियोस जो है। तो तब तक मैं हूं आपका प्यार, साइनिंग आउट।